कैसा है? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड आज एक नया दिन है। आज सभी को जो जिस बात का इंतजार था कि लंदन में आके मैं घूम क्यों नहीं रहा हूँ, लंदन में आके लंदन ब्रिज क्यों नहीं देख रहा, टावर ब्रिज क्यों नहीं देख रहा हूँ, थोड़े जगहों पे एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो आज वो दिन है क्योंकि आज कोई खास इंसान आया है जिनसे आप अभी मिलेंगे, एक खास व्यक्ति आया है जिनसे हम मिलेंगे अभी। एंड एज यूजल निकल चुका हूँ अभी सुबह के 12 अराउंड बज चुके हैं, 12 o'clock। एंड पूरा दिन आज घूमेंगे बाहर, कुछ एक्सप्लोर करेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहना इस व्लॉग में। एंड मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो मेरे एनर्जी से आपको पता चल गया होगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लंदन आके मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, ट्रेनिंग ये वो, तो घूम नहीं पाया। बट आज स्पेशली एक दिन निकाला है जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, तो जाते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। आप भी चलना हमारे साथ, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। अभी पहुंच गए हैं प्रॉपर लंदन बकिंगहम पैलेस में जा रहे हैं अभी हम लोग। एंड वापस जैसे कि साला सीरी का यह है नोटिफिकेशन, लेफ्ट लेना अपने को। एंड जैसे कि मैं बोल रहा था, जैसे कि आपको इंतजार था प्रीवियस व्लॉग्स का, सेक्सीएस्ट गाय इन यूके इज बैक हियर ब्रो। कुछ नहीं होता रे, क्रॉस कर लिया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं बकिंगहम पैलेस में और एंटर कर चुके हैं, तो अभी आप सिनेमैटिक्स का मजा लो और हम व्यू का मजा लेते हैं। बट शुभम भाई बर्मिंगहम से खास आए हैं लंदन, क्या लगता है आपको? क्या लगता है लंदन कैसा है? बहुत अच्छा है। एंड आते ही शुभम ने थोड़ा लंदन देख लिया था। एंड ने वो बोल टूर देख लिया था। क्यों देख लिया था? थोड़ा अभी गाली आ रहा था वो में, क्योंकि मेरे वजह से लेट हो चुका था। तेरे वजह से एक घंटा रुका है भाई। एंड ये काट दे। एंड अभी हम लोग पहुंच गए हैं बकिंगहम पैलेस, थोड़े सिनेमैटिक्स लेंगे। काफी ज्यादा भीड़ भी है यहाँ पे, सो अच्छा लग रहा है, भीड़ को देख के अच्छा लगता है। बहुत जगह है। इंडिया की वाइब आती है भीड़ को देख के, तो आप देखते हैं। पीछे जैसे आप देख सकते हो एक द बकिंगहम पैलेस जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ रहती थी। हाँ ऑब्वियसली क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड रहती थी, विच वॉज क्या लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन ना, लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क। एंड ये पीछे आप देख सकते हो ये पूरा उनका ही है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे, इट्स अ रियली ह्यूज प्रॉपर्टी, इफ यू कैन सी दूर दूर तक सिर्फ लोग ही है, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं विजिट करने, और अपना सेक्सी गाय इन टाउन भी आया है यहाँ पे। एंड दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी का क्या लुक है ये, इतना इंटेंस लुक क्यों है? इफ यू नो यू नो। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, सूरज भी आ गया है। जब निकला था तब थोड़ा बारिश थी, ठंड थी, पर अभी बहुत गर्मी हो रही, तो जैकेट निकाल देंगे। एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स फ्रॉम बिहाइंड बकिंगहम पैलेस के पास। और भी थोड़े जगह जाएंगे हम लोग, तो थोड़े सिनेमैटिक्स लेते हैं, मजे करते हैं। बकिंगहम पैलेस को हम लोग बहुत घूम रहे हैं अभी, और जैसे कि आप पीछे देख सकते हो एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, पीछे पैलेस है। एंड अभी हम लोग बस एक टूर ले रहे हैं प्रॉपर्टी का, पूरा घूम रहे हैं, लेट्स सी कैसा है। एंड हाउ डू यू फील ब्रदर, हाउ डू फील, क्या लगा देख के? रानी इधर ही रहती थी। बहुत सही जगह है देखा जाए तो, ये बहुत अच्छे अच्छे स्टैचूज है यहाँ पे। तो मैं आपको पूरा एक ब्रीफ देता हूँ कि अंदर कहाँ से आते हैं। तो हम लोग ने यहाँ से एंटर की, एंड यहाँ से एंटर करते ही स्ट्रेट टू द पैलेस, और आई गेस यहाँ पे पानी भरता होगा बारिश वारिश में, लंदन का वेदर ऊपर नीचे होते रहता है। बट ये बैरिकेड्स एंड ऑल लगाए हैं,
क्योंकि शायद जब क्वीन की डेथ हुई तब मीडिया बहुत थी ना, तो उनके लिए बैरिकेड अभी तक मेंटेन्ड है। बहुत सारे लोग आते हैं, एक सीनिक ब्यूटी है ये, एंड ये पूरा बकिंगहम पैलेस, और ये एक और सीनिक ब्यूटी, और बहुत सारे अच्छे स्टैचूज है यहाँ पे। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, देखा जाए तो बहुत फैली हुई प्रॉपर्टी है ये, एंड बहुत तगड़ा है। आजू बाजू का एटमोसफेयर भी आप देख सकते हो, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग बर्मिंगहम सॉरी बकिंगहम पैलेस के यहाँ पे ही जाते हैं, अंदर जाके फोटोज लेते हैं, गेट के पास जाके, बट कुछ मतलब नहीं है। एंड लुक एट द गाइज आउटफिट, ऊपर से नीचे तक ब्रांड है बच्चे। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख। और पूरा बकिंगहम पैलेस इज दिस। अभी आगे बढ़ते और देखते कहीं और कहाँ जाना है। बकिंगहम पैलेस में काफ़ी टाइम बिताया हम लोग ने, एंड आप पीछे देख सकते हो पूरा बकिंगहम पैलेस है। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं बकिंगहम पैलेस से, भूख लगी है, एंड सर सुबह से आए हैं, सर ने कुछ खाया भी नहीं है, तो फिर हम लोग जाते हैं। अभी जब तक इसके पेट में खाना नहीं जाएगा तब तक बकचोदी नहीं निकलेगी। हमको बकचोदी वाली आती है, हमको नॉर्मल वाली नहीं आती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अच्छी जगह पे खाने के लिए, कहीं पे देखते हैं क्या मिलता है। But that's it with from Buckingham Palace. और उसके बाद टावर ब्रिज जाएंगे, देखेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, लंदन नाइट लाइफ कैसी है वो देखेंगे, एंड इट बी फन। और पीछे देख सकते हो आप, इट्स द लंदन आई, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं, लंदन आई ही जा रहे हैं। एंड स्ट्रीट एडवेंचर्स भी है यहाँ पे, थोड़ा बारिश आ गया था इसलिए पहन लिया, निकाल देंगे अभी। और पीछे देख सकते हो आप, ट्रिप कर ले ये लंदन आई है, और यहाँ से रूट है ये पूरा जाके, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। एंड ये वेस्ट मिनिस्टर पायर है, अगर आपको पूरा साइट सीइंग करना है थ्रू वाटरवेज तो यहाँ से टिकट ले सकते हो आप, एंड देन यहाँ से पूरा रूट जाता है, एंड यू कैन चूज, वहाँ पे लोग देख सकते हो आप क्रूज व्रूज पे है। एक दिन शुभम भी क्रूज लेने वाला है, इसका थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो गया है, तो प्राइवेट यॉट इज कमिंग एंड लोडिंग ब्रो। ये पूरा एक अच्छा प्रॉपर्टी है, एंड ट्रस्ट मी ये हम लोग को मरीन ड्राइव से कम नहीं लग रहा है, मरीन ड्राइव इससे ज़्यादा अच्छा है। और ये आप देख सकते हो बांद्रा वर्ली सीलिंग है यहाँ पे। अब लंदन आई देख लिया हमने, हम लोग वो करने रहे, मतलब लंदन आई पे नहीं जा रहे क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता है हाइट से, तो वो जायंट व्हील में नहीं बैठ रहे। अभी हम लोग बस के लिए रुके हैं, बस से जाएंगे टावर ब्रिज, एंड हाफ एन आवर का जर्नी है बस से, तो टावर ब्रिज जाएंगे। खाना अभी तक नहीं खाया है, टावर ब्रिज पे जाके खाएंगे, और देखते कि टावर ब्रिज कैसा है। हाफ एन आवर है, एंड आई गेस इतना ज्यादा महंगा टिकट भी नहीं रहेगा, 1-2 pound, 2-3 pound का रहेगा, एंड निकल जाएगा। सो लेट्स सी कैसा होता है। ये लंदन ब्रिज है यहाँ पे, एंड टावर ब्रिज वहाँ पे सामने है, तो यहाँ से नीचे से जाना है। तो लंदन ब्रिज और टावर ब्रिज दो अलग जगह है, ये लंदन ब्रिज है, और अभी हम लोग जा रहे हैं टावर ब्रिज, और हालत बहुत खराब है क्योंकि बहुत इमरजेंसी आई है, और वॉशरूम जाना है भाई को, एक लंबा वॉक है। और ये लंदन ब्रिज यहाँ से देख सकते हो आप कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ये पूरा लंदन ब्रिज है यहाँ से। हम लोग वहां पे खड़े थे, अभी हम लोग नीचे आए, एंड अभी हम लोग आगे जाएंगे टावर ब्रिज की तरफ। फाइनली हम लोग है टावर ब्रिज पे, कहाँ है
यहाँ है। तो ये है टावर ब्रिज फीचर। अभी हम लोग थोड़ा नजदीक जाएंगे टावर ब्रिज के। कैसा लगता है शुभम? हाउ डू फील? बट नर्वस ब्रो। तो अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे एंड थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे। एंड फोटोज देखने के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो शुभम नायक ऑन इंस्टाग्राम। हम लोग का दोनों का इंस्टाग्राम आईडी नीचे आया रहेगा। और शुभम सिंगल भी है तो ऑब्वियसली, जैसे आप पीछे देख सकते हो लंदन ब्रिज है मेरे पीछे। एंड अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, थोड़े फोटोज वोटोज खींचेंगे। एंड एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैंने और शुभम ने कभी साथ में प्लान ही नहीं किया था कि हम लोग एक दूसरे के साथ इतना मतलब यूके आएंगे, लंदन आएंगे, घूमेंगे। शुभम के अलग प्लान्स थे, मेरे अलग प्लान्स थे। बट फाइनली सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ माँ बाप के आशीर्वाद से। और मेरे लिए तो ऐसा ही है कि मेरी औकात भी नहीं जितने आने के लिए, बट मेरे मॉम डैड की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ एंड एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वंस इन अ लाइफ टाइम। में पता नहीं अभी वापस कब आएंगे यहाँ पे या कब नहीं आएंगे, बट बहुत अच्छा लगता है टावर ब्रिज। एंड देखेंगे अभी और फोटोज वोटोज खींचेंगे, अपलोड करेंगे, तो देखते रहना। और इंस्टाग्राम नीचे आ रहा होगा तो फॉलो करना, एंड शुभम भाई को भी फॉलो करना। शुभम भाई को भी थोड़ी जरूरत है एक सपोर्ट की, तो प्लीज फॉलो करना। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज द टावर ब्रिज। एंड यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, पेड सर्विसेस है। एंड ये टावर ब्रिज जैसा दिखता है पूरा। एंड काफी ज्यादा लोग है यहाँ पे, बहुत सारे लोग है यहाँ पे, पैच वैच लेके आ सकते हैं। एंड ये है टावर ब्रिज, बहुत सही है। एंड जो भी लंदन के फैन थे, जो भी यूके के फैन थे, नीचे कमेंट कर देना और बताना कि आपको कैसा लगा। तो वी आर एट दिस इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम हापुस है, अंबा है, मैंगो है। तो जिसका नाम मैंगो है। एंड अभी हम लोग ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इतना पूरा ड्रेन आउट हो चुके हम लोग, जैसे कि चेहरे से देख सकते हो पूरा ड्रेन आउट हो। बट अभी थोड़ा खाएंगे, एनर्जी वापस लाएंगे और आगे बढ़ेंगे, नया व्लॉग करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। हम लोग लंदन ब्रिज के ऊपर है अभी, एंड लाइट बहुत ज्यादा है तो दिखेंगे ही नहीं, सॉरी हम लोग टावर ब्रिज के ऊपर अभी, तो लाइट ज्यादा है तो दिखेंगे नहीं। बट स्टिल आप देख सकते हो पीछे पूरा टावर ब्रिज है। ये टावर ब्रिज यहाँ से ऐसा दिखता है, हम लोग वहाँ पे बैठे थे बट अभी हम लोग ऊपर आए हैं, वापस नीचे जाएंगे बैठेंगे। और ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नाइट लाइफ सबसे प्यारी वो बिल्डिंग लगती है हम लोग को, हम लोग कब से वही फिगर आउट करने की कोशिश करके वो है क्या। पर टू बी ऑनेस्ट बहुत सही जगह है, अगर आप लंदन में हो तो यहाँ पे आना बनता है।